Hello friends, today I will discuss about a very important question which asked in GATE 2016. ठीक है, ये question जो है हमारा वो बोल सकते हो cloning या restriction enzyme पे based है. ठीक है, जो restriction enzyme cutting होती है उसके base पे उस पर आधारित question है. ठीक है, तो ये question क्या बोल रहा है हम ये देख लेते हैं. पहले ये question बोल रहा है ये क्वेश्चन बोल रहा है ए 1.2 केवी डीएनए फ्रेगमेंट वाज क्लोन इनटू वैन H1 एंड इको आर्बन साइट लोकेटेड 2.8 केवी. मतलब क्या है, एक हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट है ठीक है, एक हमारे पास क्या है डीएनए फ्रेगमेंट है 1.2 केवी का, उसको क्लोन करना है किसमें, हमें वेक्टर में, वेक्टर का साइज 2.8 केवी है और वेक्टर में हमें बैम H1 और इको आर्बन साइट दे रखी है. ठीक है, अब द बैम H1 और इको आर्बन साइट्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे के बिल्कुल पास में है. देखो इस डायग्राम में शो किया गया है, ये वेक्टर है 2.8 केवी का, इसमें बैम H1 और इको आर्बन एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट है. ठीक है, फिर इन्होंने बोला है द वेक्टर कंटेन 1 HHO1 साइट्स, जो वेक्टर है ये वेक्टर है, इसमें एक XHO1 साइट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो 300 बेस पेयर अपस्ट्रीम फ्रॉम बैम H1. देखो जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है उसके पीछे का रीजन डाउनस्ट्रीम कहलाता है, उसके आगे का रीजन जैसे मान लो ये है, यहां से हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होती है तो इधर वाला रीजन क्या होता है डाउनस्ट्रीम, इधर वाला अपस्ट्रीम. इसी प्रकार मान लो बैम H1 की साइट इधर है तो इधर वाला रीजन डाउनस्ट्रीम, इधर वाला अपस्ट्रीम. ठीक है, अब हम बोलेंगे कि इसके डाउन अप स्ट्रीम में XHO1 की साइड 300 बेस पेयर दूर है. ठीक है, 300 बेस पेयर पे यहाँ पे XHO1 की साइड है. ठीक है, फिर इन्होंने बोला है एंड इंटरनल XHO साइट्स इज प्रेजेंट इन द जीन सीक्वेंस एज शो फिगर. मतलब जो एक XHO है, XHO की एक साइट हमारे जो इंटरनल या मतलब बोले इंसर्ट जीन है जिसे हमें क्लोन करना है, जिस जीन को उसमें इंटरनली प्रेजेंट है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने जो क्वेश्चन था क्वेश्चन के डायग्राम में दे रखे था कितने बेस पेयर के इंटरनल पर वो प्रेजेंट है. ठीक है, तो वहां पे दिखाया गया था बैम H1 के डाउन स्ट्रीम में 500 बेस पेयर अंदर प्रेजेंट है XHO1 की साइड. ठीक है, अब बात करें ना रिजल्टेंट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डाइजेस्टेड विद इको आर्बन एंड XHO1. जब मैं इसे डाइजेस्ट करता हूं इको आर्बन और XHO1 से तो इसे एनालाइज करना है कि कितने फ्रेगमेंट बनते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस पे कैसे बैंड आएंगे. लेकिन वहां पे कोई इलेक्ट्रोफोरेसिस का जेल पिक्चर नहीं दिया हुआ था, खाली उन्होंने फ्रेगमेंट का साइज पूछा था, हमको वो निकालना है, वो हम निकालेंगे. ठीक है, जब हम इको आर्बन और XHO1 से इसे डाइजेस्ट करेंगे. ठीक है, अब तुम लोगों ने ये तो देख ही लिया, ये हमारा वेक्टर हो गया 2.8 केवी का, उसमें एडजेसेंट बैम H1 और इको आर्बन साइट है और XHO1 की 300 बेस पेयर अप स्ट्रीम पर बैम H1 के प्रेजेंट है. ठीक है, साइट यहाँ पे अब हमें अगर क्लोन करना है तो जो स्टिकी एंड यहाँ पर अगर हम इको आर्बन से यहाँ पे कट करेंगे तो स्टिकी एंड बनेंगे, तो इसके स्टिकी एंड कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए तो हमें इनसाइड को भी इसी से कट करना पड़ेगा. जो हम डीएनए लाएंगे या जो हम अपना डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट इसमें क्लोन करेंगे उसकी साइट पे भी उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तभी इसके कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल सीक्वेंस बनेगा और तभी वो बाइंड हो पाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने बैम H1 और इको आर्बन से कट किया लेकिन बैम H1 के डाउन स्ट्रीम पर 500 बेस पेयर की XHO1 साइट प्रेजेंट है. ठीक है, अब मैं इससे होल उसको बना लेता हूं, मतलब कंबाइन करके बना लेता हूं क्या बनेगा. ठीक है, तो वो कंबाइन करके बनाता हूं, उसके बाद देखते हैं कि फ्रेगमेंट कैसे बनेंगे. ठीक है, ये हमारा वेक्टर हो गया. ठीक है, वेक्टर में ये हमारा इंसर्ट हो गया. ठीक, अब इंसर्ट में हमारा क्या, ये तो अब जैसे क्योंकि कट करेगा तो ये हमारी क्या होगी साइड बैम H1 की, ये हमारी इको आर्बन की
ठीक है। अब हमारे इनसाइट में क्या था, इनसाइट में एक इंटरनल साइट प्रेजेंट थी किसकी, एक्स एच ओ वन की, ठीक है। और एक हमारा क्या था, बैम एच वन के डाउन स्ट्रीम प्रेजेंट थी 300 बेस पेयर की, एक्स एच ओ वन की साइट, एक्स एच ओ वन की साइट ये कितने की थी, ये 500 बेस पेयर की थी, ठीक है। अब हमको देखना है कि इसमें फ्रेगमेंट कितने बनेंगे, ठीक है। देखो अगर पहले हम इसे इको आर वन और एक्स एच ओ वन से कट करेंगे, पहले हम इको आर वन से कट करते हैं, अगर हम इको आर वन से कट करेंगे तो यहाँ पे एक कट लग जाएगा, ठीक है। देखना ये वाला कट लग जाएगा, अब हमारे पास बचा क्या, इतना रीजन बचा ही है, एक कट इको आर वन ने यहाँ पे लगा दिया, सिंगल कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमको जैसे हमारा कितने का था, ये टोटल हमारा जो इंसर्ट था वो 1.2 केबी का था, इंसर्ट जब इसमें ऐड कर दिया क्योंकि वेक्टर हमारा 2.8 का था, तो 1.2 और 1.2 प्लस 2.8 तो हमारा वेक्टर पूरा कितने का होगा, रिकॉम्बिनेंट 4 केबी का, ठीक है, क्योंकि हमारा जो इंसर्ट मैंने इंसर्ट कर दिया वो 1.2 केबी का है और जो हमारा वेक्टर था वो 2.8 तो उसे ऐड कर देंगे क्योंकि वो इसी में तो ऐड हो रहा है वेक्टर की बैकबोन में, तो ये हमारी वेक्टर की बैकबोन 4 केबी की हो जाएगी। जब हमारा ये 1.2 केबी का है तो इसमें ये हमारा 500 बेस पेयर का है तो ये हमारा कितने का बचेगा, 700 बेस पेयर का बचेगा, क्योंकि अगर हम 1.2 केबी मतलब क्या हो गया 1200 बेस पेयर में 500 बेस पेयर की साइड पे ये है तो 700 इधर वाला बचा हिस्सा, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, हमने इको आर वन से पहला कट लगा दिया, ठीक है। अब दूसरा कट कहाँ कहाँ लगेगा, एक्स एच ओ वन की जहां जहां पे साइट है, तो एक कट यहाँ पे लगेगा, रेड पेन से दिखा रहा, एक कट यहाँ पे लगेगा तो ये वाला फ्रेगमेंट बन जाएगा, देखो ये वाला फ्रेगमेंट अलग बन जाएगा इतना, ठीक है, 700 बेस पेयर का, और एक कट यहाँ पे ये लगेगा, ठीक है, एक कट यहाँ पे ये लगेगा, ठीक है। तो फ्रेगमेंट हमारे कौन कौन से बने, देखो अब ये 500 और 300 का एक पूरा फ्रेगमेंट बना है क्योंकि यहाँ पे एक्स एच वन की साइट है और यहाँ पे, तो एक कट यहाँ पे लगा, एक कट यहाँ पे लगा, ठीक है, तो एक हमारा फ्रेगमेंट ये बन गया, तो हमारा ये क्या था 300 बेस पेयर और 500, तो इसे ऐड कर देंगे तो ये हमारा 800 बेस पेयर का एक फ्रेगमेंट बन जाएगा। इसके बाद एक फ्रेगमेंट हमारा ये बना क्योंकि यहाँ पे इको आर वन ने कट काटा और यहाँ पे चौवन, तो एक फ्रेगमेंट ये बना, ये फ्रेगमेंट कितने का था, 700 बेस पेयर का, ठीक है, दो फ्रेगमेंट बन गए। अब तीसरा फ्रेगमेंट हमारा कौन सा बचा, ये वाला, देखो ये वाला पूरा यहां तक, ठीक है। अब ये जो फ्रेगमेंट हमारा पूरा बचा है ये कितना होगा, अब जब हमारा टोटल पूरा बैकबोन कितने का था, 4000 बेस पेयर का, ठीक है, उसमें से जो कितना 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 निकल गया, 8 और 7 1500 बेस पेयर के दो फ्रेगमेंट बन गए, मतलब एक 700 का बना एक 800 का बना, अगर इसको हम माइनस कर देंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, 2500, तो ये वाला फ्रेगमेंट जो हमारा होगा, ये वाला जो फ्रेगमेंट है ये कितने का होगा, 2500 बेस पेयर का होगा, ठीक है। ये वाला फ्रेगमेंट हमारा कितने का बचा, ये वाला, ये 2500 बेस पेयर का बचा, ठीक है। अब ये 2500 बेस पेयर का बचा, तो तीन फ्रेगमेंट हमारे बने, एक हमारा बना 800 बेस पेयर का, एक 700 बेस पेयर का, एक 2500 बेस पेयर का। फिर से एक बार बता देते हैं, पहले इको आर वन यहाँ पे कट करेगा, जब हमने तुम्हें बैकबोन बना के दिखाई, इको आर वन जब यहाँ पे कट करेगा तो हमारा एक सिंपल बनेगा, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, जॉब एक्स एच वन की एक साइट यहाँ पे है, एक यहाँ पे, क्योंकि एक इंटरनल इनसाइट के प्रेजेंट है, एक अब स्ट्रीम बैम एच वन के वेक्टर पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब एक यहाँ पे कट मारेगा, एक यहाँ पे कट मारेगा, तो एक फ्रेगमेंट हमारा ये बन जाएगा, तो इसमें क्या क्या आ रहा है, 300 बेस पेयर और 500 बेस पेयर, तो 800 बेस पेयर का एक फ्रेगमेंट, और इधर वाला ये कितना बचा था, 700 बेस पेयर, क्योंकि हमारा 1.2 केबी का इंसर्ट था, ठीक है, तो 700 बेस पेयर ये बचा था, तो एक 700 बेस पेयर का फ्रेगमेंट बन गया, ठीक है। और टोटल फिर जो जितना बचा वो कितना है, 2500 बेस पेयर, क्योंकि टोटल वेक्टर का बैकबोन क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट का 700। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। इस प्रकार का क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को प्रमोट करें थोड़ा। थैंक यू फ्रेंड्स।